विद्यार्थी मित्रों, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी उपयोजित लेखन। हिंदी उपयोजित लेखन में आज हम देखने वाले हैं पत्र लेखन। देखो विद्यार्थी मित्रों, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में पत्र लेखन आता है और वो 5 मार्क का रहता है। पत्र लेखन करना बहुत ईजी है, वो मार्क्स हमारे मुट्ठी में रहते हैं। तो ऐसा ये जो पत्र लेखन है वो कैसे करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं। तो चलो मित्रों, देखते हैं पत्र लेखन। अभी किसे कहते हैं पत्र लेखन, कि पत्र यानी अपने विचारों भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुँचा देने वाला साधन। अपने जो विचार है, मन के भाव है, उसको शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक, मतलब जिसको हमें कहना है, लिखना है, बोलना है, उस तक पहुंचा देने वाला जो साधन रहता है वो क्या रहता है, पत्र लेखन रहता है। हम सभी पत्र लेखन से परिचित है, हम सबको पत्र लेखन क्या है, पत्र किसे कहते हैं पता है। लेकिन आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। पुराने ज़माने में देखो, पिजन जो रहता था, कबूतर, उससे पत्र भेजा करते थे। बाद में वो नगाड़ा वगैरह बजाकर एक दूसरे को बोलते थे, किसी आदमी को भेजते थे शिवाजी महाराज के काल में। फिर बाद में आ गए पोस्टमैन काका, पोस्टमैन चाचा, यानी डाकिया, जिसे हम हिंदी में डाकिया कहते हैं, डाकिया डाकला या वगैरह। लेकिन आजकल देखो, आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे, संगणक यानी टीवी, भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल, अंतरजाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से हम जोड़ने का प्रयास कर रहे प्रयास नहीं कर रहे बल्कि हमने उसको हमारे दैनिक जीवन को जोड़ लिया है। देखो अभी दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि यानी मतलब मोबाइल के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है, क्योंकि हमारा जो भी है, जो भी मैसेज है, जो भी हमें बोलना है, हम भ्रमण ध्वनि के द्वारा यानी मोबाइल के द्वारा हम 1 सेकंड में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। फिर भी अपने रिश्तेदार जो है, आत्मीय व्यक्ति जो है, हमारे जो मित्र है, सहेली है, उन तक अपनी भावनाएँ जो है, मन की जो भावनाएँ हैं हमारी, वो प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक क्या है, सशक्त माध्यम है। पत्र के माध्यम से हम अपनी भावनाएं अपने आत्मीय व्यक्ति को, सहेली को पहुंचा सकते हैं। तो पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही पत्र लेखन आ जाएगा क्या, हम ऐसे ही पत्र अच्छी तरह से, अच्छे रूप में लिख पाएंगे क्या? नहीं। तो पत्र लेखन की कला हमें प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, हमें अभ्यास उसका करना ही पड़ता है। देखो क्या, कौन कौन से पत्र रहते हैं, तो मांग करना, किसी वस्तु की मांग करना, किसी वस्तु के बारे में शिकायत करना, या किसी से अनुमति मिलवा लेना, या किसी को विनती करना, आवेदन करना, ये क्या है, पत्र हो सकते हैं, इतने टाइप के पत्र है। उचित तथा कम से कम शब्दों में ये जो पत्र है वो संबंधित व्यक्ति जो है उस तक पहुंचाना, उसके अनुरूप जो भाषा है उसका प्रयोग करना, ये क्या है, ये पत्र लेखन करने का एक कौशल्य है। देखो अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना अभी आवश्यक हो गया है। तो पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्र तकनीक का उपयोग करना समय की यह मांग है। आज के समय की क्या मांग है, तो पत्र लेखन करते समय आधुनिक जो तंत्रज्ञान है, आधुनिक जो तकनीक है, उसके अनुरूप पत्र लिखना, ये आज के समय की क्या है, मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना होगा। देखो अभी आने वाला ये जो तरीका है, डिजिटल ज़माना चल रहा है अभी, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को पत्र नहीं भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर द्वारा वगैरह, मोबाइल द्वारा क्या करते हैं, हम ईमेल भेजते हैं।
और ईमेल के प्रारूप के अनुरूप ही हमें क्या करना पड़ता है, पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। ईमेल का जो प्रारूप रहता है, ईमेल का जो रूप रहता है, प्रारंभिक रूप जो रहता है, उसके अनुरूप ही हमें पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो चलो देखो, आगे देखते हैं हम पत्र लेखन के मुख्य प्रकार। पत्र लेखन के कितने प्रकार है? पत्र लेखन के दो मुख्य प्रकार है। एक पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र, अभी देखो ये जो औपचारिक पत्र रहता है ये किसको लिखा जाता है? औपचारिक पत्र ऑफिस, कार्यालय, कॉलेजेस, स्कूल, नगर पालिका, ये जो है इनको आदि को लिखा जाता है। तो देखो अभी ये औपचारिक पत्र के मेन पॉइंट्स जो है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखो औपचारिक पत्र हम प्रति लिखने से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी देखो औपचारिक पत्र में प्रति लिखने के बाद पत्र जो है प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक है। प्रति लिखने के बाद पत्र के ऊपर प्राप्तकर्ता यानी हम जिसे लिख रहे हैं, उदाहरण देखो अभी हमें छुट्टी चाहिए 4 दिन की, क्या है मैं विद्यार्थी हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं किसको खत लिखूँगी? एक तो मैं वर्ग शिक्षक को लिखूँगी, नहीं तो हमारे जो मुख्याध्यापक साहब है उनको लिखूँगी। तो प्रति लिखने के बाद क्या लिखना पड़ता है, माननीय मुख्याध्यापक जी RC पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल शिरपुर, ये लिखना आवश्यक होता है। आगे देखो पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अभी जब हम इतना लिखते हैं माननीय वगैरह, उसके बाद जो विषय है हमारा वो औपचारिक पत्र में लिखना जरूरी होता है। जैसे कि विषय क्या है, 4 दिन की छुट्टी मिलने हेतु, ये क्या हो गया हमारे पत्र का मुख्य विषय हो गया। आया समझ में? आगे का पॉइंट देखो अभी इसमें महोदय महोदया शब्द द्वारा आदर जो है प्रकट किया जाता है। हम जिसे खत लिख रहे विषय के बाद ऐसा लिखते हैं माननीय महोदया या माननीय महोदय। हाँ अगर लेडीज़ होती है तो महोदया लिखते हैं और जेंट्स होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, महोदय माननीय महोदय। ये लिखने के बाद हम जो मेन जो रहता है आशय उसको हम प्रस्तुत करते हैं कि निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। अभी हमारा विषय क्या था कि 4 दिन की छुट्टी मिलने हेतु, तो किस लिए छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ तक जाना है, वो दिनांक वगैरह सब वहाँ पे जो आशय है वो उसमें प्रस्तुत करना अपेक्षित रहता है। अभी आशय के बाद क्या होता है, पत्र का समापन करने का समय आता है। तो पत्र का समापन करते समय बाई और पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखना चाहिए। देखो बाई और बाई और जो जगह रहती है वहाँ पे पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखना चाहिए, यानी आपका तुम्हारा विश्वासु वगैरह हम लिखते हैं ना, उसके नीचे हमारा नाम, हम जो पत्र लिख रहा है उसका नाम पता यह सब लिखना जरूरी रहता है। और उसके नीचे ईमेल में ID ही देना आवश्यक होता है। ये आज के नए पत्र का प्रारूप है, इसमें ईमेल आईडी भी लिखना आवश्यक होता है। आया समझ में? ये हो गया औपचारिक पत्र। वीडियो के एंडिंग में मैंने औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया है, वो अवश्य देख लेना बाद में। तो हमने अभी औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी ली, अभी आगे लेते हैं हम अनौपचारिक पत्र। पत्र का दूसरा प्रकार जो है अनौपचारिक पत्र, उसके बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं। तो देखो संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। देखो ये जो अनौपचारिक पत्र है ये हम किसको लिखते हैं, तो ये हम हमारे मित्र जो रहते हैं, रिश्तेदार जो रहते हैं, सहेली जो रहते हैं, उनको ही हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो देखो हम जब पत्र लिखते समय संबोधन करते हैं, संबोधन मतलब
अगर हमारा भाई है, बड़ा भाई है, तो हम उसे संबोधन अलग तरीके से करते हैं। अगर छोटा रहता है उसे भी हम अलग तरीके से संबोधन करते हैं। वो संबोधन हम कैसे करते हैं, तो रिश्ते के अनुसार करते हैं। पिताजी को नमस्ते वगैरह कहते हैं, सादर प्रणाम वगैरह ऐसा लिखते हैं, तो उसके अनुसार हमें अभिवादन करना चाहिए। किसके साथ करना चाहिए, रिश्तों के अनुसार आदर के साथ हमें संबोधन तथा अभिवादन करना चाहिए। दूसरा मुद्दा देखो अनौपचारिक पत्र का। प्रारंभ में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अभिवादन संबोधन के बाद क्या करना चाहिए, पत्र का लिखना प्रारंभ करते समय हमें ऐसा लिखना चाहिए, कैसे हो, अच्छे तरीके से हो या नहीं हो, कुशल क्षेम जो है उनका वो पूछना जरूरी होता है। तो आगे का देखो मुद्दा, लेखन स्नेह तथा सम्मान सहित प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए। हम जो लिख रहे हैं क्षेम कुशल पूछने के बाद हमें जो लिखना है, किसी को बधाई देनी है या किसी को किसी से हम या पिताजी से कुछ मांगना है हमें, तो वो जो रहता है वो सब प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए और पूरे सम्मान के साथ हमारा लेखन होना चाहिए। आगे का मुद्दा आता है, रिश्ते के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। अगर हम किसी बड़ों को खत लिखते हैं तो उसके अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। छोटों को लिखते हैं तो उस रिश्ते के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। अभी देखो आगे, इस पत्र में विषय उल्लेख आवश्यक नहीं है। जैसे औपचारिक पत्र में हम देखो माननीय वगैरह लिखते हैं उसके बाद विषय लिखते हैं, तो अनौपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, ये ध्यान में रखो बात। आगे आता है, पत्र का समापन करते समय बाह्य और पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर चाहिए। देखो यहाँ पे अभी बाह्य और पत्र जो भेज रहा है उसके हस्ताक्षर, उसके नीचे उसका नाम, उसके नीचे उसका पता लिखना जरूरी है अनौपचारिक पत्र में। तो आया समझ में यहाँ तक? तो देखो अभी मैंने यहाँ पे पत्र का प्रारूप दिया है, कौन से पत्र का, औपचारिक पत्र का। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, दिनांक, हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं उसका दिनांक और प्रति। जैसे मैंने अभी बोला था माननीय मुख्याध्यापक जी आरसी पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल शिरपुर। और यहाँ पे देखो आगे आता है विषय, औपचारिक पत्र में विषय लिखना जरूरी होता है जो कि अनौपचारिक पत्र में जरूरी नहीं होता है। तो देखो विषय, विषय में क्या है, 4 दिन की छुट्टी हेतु। अभी हम किसी कार्यालय को या किसी ऑफिस को या रेलवे स्टेशन को या नगर पालिका को पत्र भेजते हैं, अगर हमने पहले इसके पहले भी कुछ पत्र भेजा होता है तो वो उसका उल्लेख हम किस में करते हैं, संदर्भ में। तो ये लिखने के बाद देखो, महोदय जेंट्स रहा तो महोदय, लेडीज रही तो महोदया। अभी जो मेन विषय है हमारा, क्या है मेन विषय, 4 दिन की छुट्टी मिलने हेतु, उसका विवेचन यहाँ पे हमें विषय विवेचन में करना है कि कहाँ जाना है, क्या काम है, कौन से तारीख से कौन से तारीख तक जाना है, ये सब विवेचन यहाँ पे आना चाहिए। और लास्ट में देखो भवदीय या भवदिया, ऐसा लिखने के बाद हमारा हस्ताक्षर, नीचे उसके नाम पता और उसके नीचे ईमेल आईडी डालना जरूरी होता है। ये हो गया औपचारिक पत्र का प्रारूप। अभी अनौपचारिक पत्र का मैं आपको बोलती हूँ, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे होता है, तो पहले वहाँ पे लिखते हैं हम दिनांक, फिर संबोधन प्रिय वगैरह ये जो है ना वो लिखते हैं संबोधन, फिर अभिवादन करते हैं, नमस्ते नमस्कार आशीष शुभाशीष वगैरह ऐसा हम अभिवादन करते हैं, फिर हमें जो लिखना है किसी को बधाई वगैरह देना है तो वो पूरा हम विषय विवेचन प्रारंभ करते क्षेम कुशल से, और विषय विवेचन हम लिखते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा पता चला, आपका नंबर इसमें आ गया, तो आपको क्या है मेरी तरफ से बधाई है,
कॉन्ग्रेचुलेशन है वगैरह, ये सब विषय विवेचन में वहाँ पे अनौपचारिक पत्र में आना चाहिए। और उसके विषय विवेचन के बाद क्या होता है, समापन होता है। समापन में आपका, आपकी या तुम्हारी लाडली वगैरह ऐसा हम लिख सकते हैं, तो उसके नीचे हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी हमारी साइन रहती है। फिर साइन के नीचे हमारा पूरा नाम रहता है, नाम के नीचे पता रहता है और ईमेल आईडी वगैरह सब रहता है। तो ये हो गया पत्र का, औपचारिक पत्र का और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो ये सब सुनने के बाद आपको पत्र लिखना बहुत सरल और ईजी जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? तो ये जो मेरा वीडियो है वो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमारे वेबसाइट को भेज दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।